हेलो नमस्ते सलालकुम, आप सभी दर्शक का स्वागत है हमारे नए दिन के नए ब्लॉग में। तो अभी देख सकते हो कितने बजे, 6:30 बजने को आए हैं और ये मैंने अपना कल का ब्लॉग मैंने अपलोड कर चुका हूँ। मैं दोपहर को सोया था और सो के अभी उठा हूँ और उठा उसी टाइम में मुझे याद आया कि मैंने सारा आज का ब्लॉग अपलोड ही नहीं करा, तो वो हिसाब से अभी मैंने अपलोड करने लग गया जो करीब 23 मिनट में अपलोड हो जाएगा। और रही बात आज की, आज चांद रात है तो वो हिसाब से जल्दी उठ गया। अभी थोड़ा फ्रेश व्रेश होके निकल जाऊँगा नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि चांद दिखेगा और नमाज़ भी पढ़ लेंगे। अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ेगी, इसके बाद ईशा की नमाज़ पढ़ेगी, इसके बाद तुरंत तरावी चालू हो जाएगी। तो वो हिसाब से आज ज़रा भी टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि फर्स्ट डे है रमज़ान का और कल से फर्स्ट रोज़ा गिनाएगा। तो वो हिसाब से अभी देखो माहौल कैसे। अभी तो नॉर्मल माहौल, लेकिन कल तो भाई बहुत ही होगा। जैसे कि आज चांद रात है, लास्ट डे है हर चीज़ का, क्योंकि इसके बाद ना गाना सुन सकते ना पिक्चर जैसे कुछ देख सकते, इसीलिए मैं ये गाना सुन रहा हूँ जो मेरा फेवरेट है, हिटाची का हुकुम, जो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। तो अब ये देख लेते लास्ट, फिर जैसे फिर ये सॉन्ग हम सुनेंगे हुस्न वाला, फिर बस एंड करेंगे। ये दो सॉन्ग सुन के फिर डायरेक्ट ईद पे हम सॉन्ग सुनेंगे, तो वही हिसाब से अभी थोड़ा सुन लेता हूँ फिर एंड करेंगे। तो अभी आ गए नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पे, और चांद वहाँ पे दिखेगा वो साइड के, हम उतार के बताएंगे, हम बताएंगे जरूर। और यहाँ पे नमाज़ पढ़ चांद तो नज़र आ चुका है, जैसे बाहर निकला ऐसा चांद नज़र आ गया। वहाँ देख सकते हो चांद नज़र आएगा, जैसे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने पर बाहर निकला और नमाज़ और चांद नज़र आ गया। कहते हैं कि जैसे ही आपको चांद दिखे और खास करके रमजान का चांद दिखे तो दुआ मांगनी चाहिए, तो मैं भी दुआ मांग लेता हूँ। मैंने दुआ मांग ली, अपने दुआ बताई नहीं जाती लेकिन मैं बोलूँगा। आई होप जितना जल्दी हो जाए मेरी दुआ कबूल हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा। ठीक है, अब जाते घर, घर जाकर काम बता दे और तैयारी कर। तो अभी अभी जस्ट हमारा पार्सल आया है, बहुत अच्छे टाइम पर आया ये, जब मैंने मंगाया था 3-4 दिन पहले ही मंगाया था और आज आ भी गया, तो इसकी अभी अनबॉक्सिंग कर ही ना लेते, ठीक है, इसके बाद में टाइम मिलने वाला नहीं हमें। ये देखो मैंने क्या मंगाया, तो ये है, आप इसको देखते हैं कहाँ ब्लॉक करने के, इसका पाँव से मंगा देखो ना बस निकला, ओह जैसा था वैसा ही आया। मेरे को लगा अब जैसा ऑर्डर करते वैसा नहीं आ रहा, पहले अलग अलग आता था लेकिन अभी जो ऑर्डर करते वही आता हूँ। ये ओ ये है क्या, मैं समझ नहीं पड़ा गाइस, एक बात बताऊँ कि ये साला चीज़ है क्या, हर चीज़ में मैं देखता हूँ ये आती ना आती, ये ना दूसरा कुछ, और दूसरी एक पैकेट में आती थी वो एकदम पाउडर टाइप वाइट वाइट में, जो सिर्फ पानी की बोतलों में आती, वो चीज़ है क्या सारा समझ नहीं पड़ती। ये है पहले सब निकला, ओह पहले इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। ट्रिमर मैंने, हाँ ट्रिमर ही मंगवाया, चार्जिंग टाइम 2 कलाक, यूज टाइम 2 कलाक हुआ भाई, अच्छा है इसका। चलो ये तो हो गया, ये है चार्जिंग वायर जिसको चार्ज करने का रहेगा, और ये है, ये क्या के लिए, मुझ बनाने के लिए, अच्छा है जो मुझ बनाने के लिए तो अच्छा है। अब ये क्या है, अब ये है हमारा मेन चीज़, अच्छा है। अब ये कौन है, अरे यार ये तो मैं देखा ही नहीं, ये क्या पर क्या बता, अरे वो है ना उनका वो गौतम बुद्ध साथ, वो ही नहीं है, एनीवे जो भी हो। इसका डिज़ाइन अभी का न्यू अलग है, मैं पहले मंगाने वाला था नोवा वाला, लेकिन ये मैंने मंगा लिया साले, लेकिन साला ये स्टार्ट कहाँ से होता है पता नहीं। वो देखो उसको बोरी अगी में, ये साला स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका स्टार्ट करने का दिक्कत नहीं। ओह नीचे रखेला देखो नीचे, इसको चालू करते, ओह भाई बहुत फांस है, बहुत फांस है, चालू कर भाई,
कड़िया कड़े भाई, मजा मस्ती मस्ती में कड़ी खाता। हाँ सोचा अच्छा, और फिर ये इसकी ब्लड क्या कहते इसको, पता नहीं जो भी कहते। हाँ नंबर इसका बढ़ाने का, वो कितने? ओ चार है ये, 2 mm, ये कितने? ये 3 mm, अच्छा ये 1.5 mm, और ये 4 mm। ओ तो हमें सिर्फ बेसिकली ये यूज़ करना, 1.5 mm एंड 2 का हो जाए। अच्छा ये 2 वाला, ये सिर्फ 2 ही यूज़ होने वाले, क्योंकि इतनी बड़ी मेरी दाढ़ी या बाल है नहीं जो मैं सीधा 4 mm यूज़ करने वाला हूँ। फिर ये हो गया आज का ये अनबॉक्सिंग। अब टाइम देखो कितना हो गया, टाइम हो चुका है 7:30। इसके बाद हम ईसा की नमाज़ पढ़ने जाएंगे, पहले खा लेंगे इसके बाद ईसा की नमाज़ पढ़ने आएंगे, क्योंकि तुरंत ही अपने तरह भी चालू हो जाएगी, तो वही से मम्मी को कहना पड़ेगा जल्दी करो खाने का, भूख तो लगेगी मेरे को। कल से नो खाना नो पीना नो घूमना, सब चीज़ बंद कल से, 30 दिन के लिए तो बंद। हो कब रमज़ान आ गया पता ही नहीं चला, लेट्स सी, देखते आगे क्या होता है, मज़ा आएगी। तो अभी देख सकते हो कितने बजे, 8:20 हो गई, और अब मैं जा रहा हूँ ईशा पढ़ने के लिए, क्योंकि तो ईशा की नमाज़ पढ़ेगी अब, तो ईशा की नमाज़ शुरू होगी 8:25 को, तो वो पत्ते पत्ते 9:15 के आसपास हो जाएगी, तो 9 बजे तारा भी शुरू होगी, तो 20 रकात पढ़ने के लिए, तो डायरेक्ट फिर 10:15 को पति, तो हम सीधा उसी टाइम को आएंगे। अभी देखो कितने बजे, 8:20 हो गए, 8:20 हो गए, तो अब 8:20 से अभी चले जाते हैं मस्जिद में, और आएगा आप डायरेक्ट 10:15 को, 10:20 का आसपास, मतलब 2 घंटे मस्जिद में नहीं गए, तो जाते आज तरावी है, तरावी का पहली तरावी है आज, तो चल जाए। हैं पानी पीना कहाँ है, कहाँ है, नहीं है, चल नहीं है पानी, कहाँ है, कहाँ है, वहाँ 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 जा, वहाँ जा किचन में जा। अभी देखो कितने बजे, और अभी जस्ट नमाज पढ़ के आया, ऑलमोस्ट 10 बज गए। फ्रिज में नहीं है, नहीं 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 मम्मी कुरान है वो, कुरान ये क्या बोल दिया, आया 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 दादू है, दादू है, दद्दू है, हे दद्दू है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, जा बुलावे। अभी जस्ट बाहर आया हूँ, और अभी जाऊँगा पेट्रो बनाने जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर जाऊँगा इनाया को छोड़ने, इनाया अभी हमारे पास ही है, बाकी लोग चले गए, और उसके बाद कुछ नाश्ता करूँगा, थोड़ी भूख लगी, बस आज का ब्लॉग एंड करते हैं, बस इतना ही करेगा आज का। यहाँ से लेकिन वहाँ तक लाइन है, अभी वेटिंग करना पड़ेगा, यहाँ वेटिंग करना पड़ेगा, तो अभी हम जा रहे हैं इसको छोड़ने के लिए। तो क्या खाना है मम्मी, कुछ खाना है, कैडबरी वाली, कैडबरी कैडबरी खाने के लिए, कैडबरी हाँ ऐसा मत कर, तू खाली खाने खाली ही ऐसा करेगी, इसको छोड़ने के बाद जाएगा थोड़ा। आए हैं यहाँ सावरों लेने, जो मन हो गया था उसके लिए सावरों ले लिया, मम्मी पापा के लिए, मेरे लिए, उसके लिए, और अभी अभी नया कुछ छोड़ता है, अब जाएगा सीधा घर, तो करेंगे एडिटिंग और आज का व्लॉग एंड करेंगे। देख सकते हो अभी कितने बजे, 11 बज चुके हैं, और अब आज का व्लॉग हम एंड करते हैं, क्योंकि अब मैं एडिटिंग करने जा रहा हूँ आज के भी ब्लॉग की, और तहजीब की वीडियो भी मुझे एडिटिंग करनी है, तो वो हिसाब से मुझे टाइम नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलते कल नए दिन के नए ब्लॉग में। कल से जब सुबह 5 बजे मुझे उठना पड़ेगा, क्योंकि शहरी भी सुबह 4:30 बजे उठना पड़ेगा,
और उसके बाद कुरान पढ़ना है, फिर सहरी करनी है, फिर उसके बाद नमाज पढ़ना, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना और फजर की भी नमाज़ पढ़ना है। तो वो हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम और शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट होने वाला है इस बार, तो देखते हैं कैसा जाता है। ठीक है, बाय बाय।